फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स टू टाइप्स ऑफ स्क्रूज ए एंड बी. हमें एक फैक्ट्री गिवन है जो दो तरह के जो है स्क्रूज बना रही है, ए एंड बी. एक हो गया स्क्रू ए, दूसरा हो गया स्क्रू बी. ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्स द यूज ऑफ टू मशीन, एन ऑटोमेटिक एंड अ हैंड ऑपरेटेड. तो एक स्क्रू ए है, सेकेंड वन स्क्रू बी. दो तरह की जो है मशीन इनके लिए फैक्ट्री को ऑपरेट करने के लिए. जो फर्स्ट है दैट इज मशीन ए एंड ऑटोमेटिक है मशीन, एंड द सेकेंड वन इज हैंड ऑपरेटेड मशीन. दिस इज ऑटोमेटिक. हैंड ऑपरेटेड. तो गिवन क्या है इसमें हमें, दैट इट टेक्स 4 मिनट्स ऑन द ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट्स ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर अ पैकेज ऑफ स्क्रू ए. तो स्क्रू ए में ऑटोमेटिक मशीन पे जो है हमें टाइम गिवन है 4 मिनट्स, और हैंड ऑपरेटेड पे गिवन है 6 मिनट्स. तो यहाँ पे आता है 4, यहाँ six in front of screw A. फिर वो क्या कह रहे हैं कि while it takes 6 minutes on automatic and 3 minutes on hand operated machines to manufacture a package of screws B. तो 6 minutes लग रहे हैं automatic पे, 3 minutes लग रहे हैं hand operated पे screw B के लिए. The each machine is available for the for at most 4 hours on any day. 4 hours दोनों मशीन जो है वो मैक्सिमम 4 hours के लिए अवेलेबल है. मैक्सिमम 4 hours मतलब, अब जो ये टाइम हमें गिवन है दैट इज गिवन इन मिनट्स, ये हमें गिवन है आवर्स के लिए. आवर्स के साथ तो दिस विल बी 4 × 60 यानी कि 240 मिनट्स. सेम हियर, क्योंकि यूनिट्स आपको कल भी मैंने बताया था दैट द यूनिट्स शुड बी सेम. तो ये हो गया आपका 240 मिनट्स. उसके बाद वो कह रहे हैं मैन्युफैक्चरर कैन सेल अ पैकेज ऑफ स्क्रूज ए एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹7 एंड स्क्रूज बी एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹10. इट मींस प्रॉफिट गिवन है स्क्रू ए के लिए ₹7 एंड स्क्रू बी के लिए ₹10. Assuming that he can sell the screws he manufactures, कि जो screws वो manufacture कर रहा है उनको वो sell कर सकता है, ये assume करते हुए. How many packages of each type should the factory owner produce in a day in order to maximize his profit? Maximize किसको करना है हमने, profit को. जिसको maximize करना है उससे मुझे objective function मिलेगा. So that is 7 times x plus 10 times y. It means हम क्या मानेंगे यहाँ पे, उसने क्या कहा, he can sell all the screws he manufactures, how many packages of each type should the factory owner produce in a day in order to maximize his profit and determine the maximum profit. तो क्योंकि number of packages की हम बात कर रहे हैं, तो let the number of packages of screw A be x and the screw B be y. तो let the number of packages of screw A is x and screw B is y. नंबर है तो आगे यूनिट कोई नहीं आएगा. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया 7 मल्टीप्लाई हुआ x के साथ और 10 मल्टीप्लाई हुआ y के साथ, दोनों का सम. अब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, जो इनइक्वालिटीज हमारी बन रही हैं वो क्या क्या बनेगी, 4x plus 6y less than equal to 240. यहाँ ध्यान देना है 4 आवर्स हैं, ये मिनट्स हैं, तो आवर्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया. तो फर्स्ट कॉन्स्टेंट हमारा बन जाएगा 4x plus 6y less than equal to 240. सेकेंड वाला बनेगा 6x plus 3y less than equal to 240. एट मोस्ट जहाँ पे आ गया मीन्स लेस देन इक्वल टू का साइन लगेगा, जहां पे एटलीस्ट आता है वहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन. तो 6x plus 3y less than equal to 240 नॉन नेगेटिव कांस्टेंट लेने ही लेने हैं, एंड देन इनको आप सिंपलीफाई कर लोगे. जो आपकी मैक्सिमम वैल्यूज आएंगी
उन में से जो मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो आपकी वैल्यूज होंगी, उसने क्या कहा डिटरमिन द मैक्सिमम प्रॉफिट. तो व्हाट एवर विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू दैट विल बी योर आंसर. जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी दैट विल बी योर आंसर. तो योर आंसर इन दिस केस विल बी 410 at x is equal to 30 and y equal to 20. So this completion of this question you will do yourself. मैं सिर्फ आपकी ये इक्वेशंस की फ्रेमिंग करवाऊंगी, बिकॉज यू नो हाउ टू फ्रेम दिस, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ एंड हाउ टू फाइंड आउट द कॉर्नर पॉइंट्स. उन कॉर्नर पॉइंट्स को जेड में पुट करके यू विल फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू. सो इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. अगर कोई आपको इनइक्वालिटी समझ नहीं आई कैसे लेनी है तो यू कैन आस्क. Otherwise, we are moving on to question number 6. Question number 6 में we are given a cottage industry manufactures pedestal lamps and wooden shades, each requiring the use of grinding or cutting machine and a spirit. अब दो चीजें गिवन है हमें यहाँ पे. एक तो pedestal lamps गिवन है, दूसरा हमें क्या गिवन है यहाँ पे, wooden shades गिवन है. Each requiring the use of a grinding or cutting machine and a spade. तो जो हमारा बनेगा टेबल, अलग अलग क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, पेडेस्टल लैंप है और वुडन शेड. तो एक को एक्स और दूसरे को वाई. और टाइम जो हमें दिया है वो ग्राइंडिंग और कटिंग, और टाइम इसे भी हमें दिया है. अब वो क्या कह रहे हैं, ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ अ ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन एंड अ स्पेयर. इट टेक्स 2 आवर्स ऑन ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन एंड 3 आवर्स ऑन द स्पेयर टू मैन्युफैक्चर अ पेडेस्टल लैम्प. तो 2 आवर्स लग रहे हैं ग्राइंडिंग और कटिंग के लिए, 3 आवर्स लग रहे हैं स्प्रेइंग के लिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ पेडेस्टल लैम्प. उसके बाद वो कह रहे हैं व्हाइल इट टेक्स 1 आवर ऑन द ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन एंड 2 आवर्स ऑन द स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर अ शेप. 1 आवर ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन के लिए, 2 आवर्स स्प्रेइंग मशीन के लिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ वुडन शेप. देन on any day the sprayer is available for at most 20 hours. ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 hours के लिए available है. ये भी हमें hours given है, तो no conversion is there. और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो grinding और cutting machine है that is available for maximum of 12 hours. So this is less than equal to 12. उसके बाद profit from the sale of a lamp is ₹5. And that from a shade is ₹3. So profit is case mein hume given hai ₹5. And shade ki case mein that is given to be 3. So on assuming that the manufacturer can sell all the lamps and shades that he produces, how should he schedule his daily production in order to maximize his profit? So again, ab kya karna hai? Profit ko maximize karna hai. So let the number of pedestal lamps produced is x and wooden shades produced is y. Number of pedestal lamps produced is x and wooden shades produced is y. Number है तो no units. अब any one of you can unmute and tell me what will be the equations. Inequalities, पहले तो objective function बताइए क्या z is equal five x plus 3y. क्योंकि हमें profit को maximize करना है, so this is maximize z is equal to 5x plus 3y. चलो मैं एक बार फर्स्ट इक्वेशन अब आप बताओगे, बिकॉज एवरी टाइम समृद्धि हैज टू गिव द आंसर, बाकी आप लोग बोलते ही नहीं. यस मेघा, फर्स्ट इन इक्वेशन मैम 2x plus y is less than equal to 12. यस गुरकीरत, द नेक्स्ट वन 2x
मैम को आना चाहिए 2x plus y. यस 2x plus y. 1 तो 2x plus y लेस देन इक्वल टू 12. कॉलम वाइज हम बना रहे हैं. गुरकीरत नेक्स्ट वन. अनम्यूट योर सेल्फ. यू आर हैविंग द ऑप्शन टू अनम्यूट. नहीं भी आता तो अनम्यूट करके मुझे एटलीस्ट बता दो कि नहीं आता. नहीं पता. बताओ. नहीं पता. No, सिंपल है बच्चे, ये लेना है हमने. तो 3 के साथ x है तो दिस विल बी 3x. ये टेबल समझ आ गया गुरकीरत कैसे बना है? यस मैम. ओके. अब जब हम इनइक्वालिटीज बना रहे हैं तो हमने क्या करना है, इनइक्वालिटी में x और y दोनों टर्म्स हमारी इंक्लूडेड होनी चाहिए तो हम इसको कॉलम वाइज लेके चलेंगे. तो पहले वाले के लिए 2 x + 1 y लेस देन इक्वल टू 12 था. सेकेंड वाले के लिए 3 x + 2 y लेस देन इक्वल टू 20. तो 3 x + 2 y लेस देन इक्वल टू 20. पूरा नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे कौन कौन से होंगे? पूरा अनम्यूट योर सेल्फ. दो इक्वेशन आप लोगों को मैंने इनइक्वालिटीज बताई हुई है कि वो हर क्वेश्चन में लेनी ही लेनी है. व्हाट आर दोज इनइक्वालिटीज? कौन कौन सी इनइक्वालिटीज हैं? नहीं आती तो अगेन यू हैव टू अनम्यूट एंड टेल मी. मुझे ये तो पता लगे आप बैठे हुए हो क्लास में. मैं नहीं बताऊं. जो दो हमारे नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट होती हैं दैट आर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये दोनों रिस्ट्रिक्शंस, ये दोनों कंडीशंस, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स आपने हर वर्ड प्रॉब्लम में लेनी ही लेनी. सो ये बन गया आपका 2x + y < 12, 3x + 2 y लेस देन इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इसके बेसिस पे ग्राफ आप बनाएंगे. ग्राफ का जो कॉमन रीजन होगा, फिजिबल रीजन होगा, दैट यू आर टू फाइंड आउट. उसके बेसिस पे आप जो है कॉर्नर पॉइंट्स निकालोगे. अब इस वाले क्वेश्चन में जो है आपके कॉर्नर पॉइंट्स जो आएंगे दैट विल बी 0 0 6 0 4 4. कंप्लीट आंसर को फिर करोगे. And the fourth one, 0 10. अब हमें किसी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. जेड है हमारा 5x + 3y. वैल्यूज पुट करो और जेड की वैल्यूज निकाल लो कॉरेस्पॉन्डिंग 0 0 पे. यानी कि जब वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, तो प्रॉफिट विल बी 0 एट दैट टाइम. 6 पेडेस्टल लैंप्स बना रहे हैं, 0 वुडन शेड्स बना रहे हैं, तो 6 5 30. दोनों 4 4 बना रहे हैं, तो 5 4 20 प्लस 12 32. और 10 wooden shades हैं, कोई pedestal नहीं बना रहा, तो this will be 30. अब profit उसने क्या कहा था, maximize करना है. तो इन चारों में से जो आपकी maximum value है वो ये. तो profit जो है that is maximum at x is equal to 4, y equal to 4 and the maximum value of profit is 32. So, बीच में आपने ग्राफ बनाना है और फिजिबल रीजन खुद फाइंड आउट करना है. दैट यू नो हाउ टू फाइंड आउट लीनियर, उसमें इनइक्वालिटीज में आपने किया हुआ है. यहाँ बस आपने ध्यान रखना है जो आपका फिजिबल रीजन होगा, जो उसके कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, दैट यू आर टू टेक. रफली मैं आपको ग्राफ भी इसका बता देती हूँ. ग्राफ जो है इसका ये लाइन होगी आपकी 2x + 3y = 120. पॉइंट्स निकाल लेना आपने, दैट यू नो हाउ टू प्लॉट द लाइन. एंड द सेकंड लाइन जो है हमारी दैट विल बी 2x + y = 8. तो वो आपकी जो लाइन है वो कुछ ये तरीके दैट विल बी 2x + y = 12. यहाँ पे सेकंड वाली जो लाइन है, जस्ट अ मोमेंट, 3x + 2y = 20. इस तरीके से आ जाएगा. तो ये आपका फिजिबल रीजन बनेगा, जिसमें से ये पॉइंट आपका 0 0 होगा. दिस विल बी पॉइंट 0 10, दिस विल बी 6 0, और ये पॉइंट आएगा आपका 4. तो ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे. हमेशा आपने इस तरीके से कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं. वो कॉर्नर पॉइंट्स जो आपके होंगे, जो फिजिबल रीजन है उसके कॉर्नर.
तो फिजिकल रीजन में मेरा ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल की ये फोर वर्टेक्स आर द कॉर्नर पॉइंट्स, ये चारों हमने लिख लिए, ये चारों के अकॉर्डिंगली एक्स और वाई वाली जो आपकी वैल्यूज होती है वो आप जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें पुट करते हो, इसमें पुट करके जो आपकी वैल्यूज आ जाती है। अगर आपको मैक्सिमाइज जेड कहा है तो यू आर टू टेक द मैक्सिमम वैल्यू, अगर मिनिमाइज कहा है तो यू आर टू टेक द मिनिमम वैल्यू, एंड दैट वैल्यू इज योर, जैसे यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट कहा था तो दैट वैल्यू इज 32 जो है दैट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, और किस उसपे आ रहा है x इक्वल टू 4 जो आपका ये कॉर्नर पॉइंट था उस स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 4, यानी कि अगर नंबर ऑफ पेडेस्टियल लैंप्स हम 4 को प्रोड्यूस करता है और वुडन शेड्स भी 4 प्रोड्यूस करता है तो उसको 32 रुपीस का जो प्रॉफिट है वो इन ऑल 4। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वी आर गिवन A company manufactures two types of novelty souvenirs made of plywood. Souvenirs of type A, jo hai, that require 5 minutes each for cutting and 10 minutes each for assembling. Yani ki ab do cheeze ho rahi hai yahan pe, cutting and assembling. There are 3 hours and 20 minutes available for cutting and 4 hours for assembling. Souvenirs of type B require 8 minutes for cutting, 8 minutes for assembling. Profit is rupees 5 for type A and rupees 6 for type B. How many souvenirs of each type should the company manufacture in order to maximize the profit? It means ab jo do cheeze ban rahi hai wo kya kya ban rahi hai, souvenirs of type A as well as type B. तो एक का सेम हम करेंगे, एक का अमाउंट हम एक्स मांगेंगे, लेट द सॉविनर्स ऑफ टाइप ए जो है दैट इज एक्स एंड सॉविनर्स ऑफ टाइप बी जो है दैट इज वाई। इसके बाद मैं टेबल बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। नंबर है नो यूनिट, अब वो क्या कह रहा है देखो, यहाँ पे जो ये सॉविनर्स बन रहे हैं इसमें जो फर्स्ट वाला है टाइप ए का, उसको कटिंग के लिए 5 मिनट चाहिए और असेंबलिंग के लिए 10 मिनट चाहिए, यानी कि एक तो हो रही है कटिंग और सेकंड क्या हो रहा है असेंबलिंग, और दिस इज टाइप ए एंड टाइप मैक्सिमम जो टाइम इसके लिए अवेलेबल है दैट इज 3 hours 20 minutes, और जो मुझे ये भी बनता दैट इज इन मिनट्स, तो इसको कन्वर्ट कर लोगे, 1 आवर में 60 मिनट्स, तो 3 आवर्स में 180 प्लस 20 यानी कि 200। अब मैक्सिमम कितने मिनट्स अवेलेबल है तो साइन लेस देन इक्वल टू का आएगा, और दूसरे तरफ वो क्या कह रहा है कि 4 आवर्स फॉर असेंबलिंग, तो असेंबलिंग के लिए 4 आवर्स यानी कि 1 hour में 60 minutes हो गए, तो 4 hours में this will be 240 minutes. उसके बाद वो कह रहे हैं कि souvenir of type B required eight minutes for cutting and 8 minutes for assembling. फिर profit की बात हो रही है, profit is rupees 5 for type A and rupees 6 for type B. Profit क्या करना है अब हमने, हाउ मेनी सॉविनियर्स ऑफ ईच टाइप शुड द कंपनी मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, प्रॉफिट को हमने क्या करना है मैक्सिमाइज करना, तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, प्रॉफिट 5 और 6 गिवन है,
फाइव किसके लिए है, वन के लिए, तो एक्स के लिए इट विल बी 5x. रुपीज 6 एक टाइप ए टाइप बी वाले एक सोविनियर के लिए है, तो y सोविनियर्स के भी कंस्ट्रक्ट हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, तो 6y मिलेगा. तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके लिए जो एक का प्रॉफिट है मल्टीप्लाइड बाई एक्स, सेम वे में जो एक का प्रॉफिट है मल्टीप्लाइड बाई वाई, और दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया. नाउ वी आर टू फॉर्म द कॉन्स्टेंट. चलिए गुरकिरण आप बताओ मुझे फर्स्ट कॉन्स्टेंट क्या बनेगा, फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या बनेगी. आई होप नाउ यू कैन ट्राई. 5x plus 8y less than equal to 200. Yes. Pura second inequality. Ma'am, 10x less than equal to 240. 10x plus 8y less than equal to 240. यहाँ तक. नहीं यहाँ भी एक है. So. अब नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स जो हमें दोनों लेने ही लेने हैं. कशिश दो इक्वेशन दो इक्वालिटीज कौन सी आपको लेनी ही लेनी है. कशिश अनम्यूट योरसेल्फ अदरवाइज यू विल बी मार्क्ड एब्सेंट. सेम आपको भी मैं कह रही हूँ नहीं भी आता तो अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी कि नहीं आता. मैम मैंने लास्ट लेक्चर नहीं लगाया था तो मैं मैंने अभी बताया मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया कि ये दो इनइक्वालिटीज आनी ही आनी है. जस्ट पूरब से जब मैंने डाउट पूछा था उसको नहीं पता था. यस पूरब कैन यू टेल नाउ. मैम x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये दोनों इनइक्वालिटीज हर वर्ड प्रॉब्लम में आपने लेनी ही लेनी है. तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है. जो बन रही है वो तो ले ली हमने. जब वर्ड प्रॉब्लम है तो ये वाली जो इनइक्वालिटीज हैं ये हमेशा आप लेके चलोगे. अब ये चार इनइक्वालिटीज हैं, चार में से x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस हमें रिस्ट्रिक्ट कर रही है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. इन दोनों के बेसिस पे आपने ग्राफ प्लॉट करना है. ग्राफ जो आपका आएगा उसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालिए, कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे पुट करिए अगर बाउंडेड है तो. अनबाउंडेड में आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो उसमें सिर्फ यहाँ तक का काम करना है आपने, फ्रेमिंग करनी है एलपीपी की एंड यहाँ आपका काम खत्म. जो बाउंडेड वाली है वो हम आगे सॉल्व करते हैं. तो दिस इज डेफिनेटली अ बाउंडेड वन क्योंकि लेस देन इक्वल टू के साथ आपको गिवन है, तो ये आपको बाउंडेड रीजन देगा. बाउंडेड रीजन मीन्स हर तरफ से वो बंद होगा. कॉर्नर पॉइंट्स आप निकाल लोगे, फोर कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे इंक्लूडिंग द ओरिजिन, उनको आप पुट करोगे तो जो आपकी जेड की मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी योर आंसर. सो इसमें उसने मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा था. हाउ मेनी सोविनियर्स ऑफ ईच टाइप शुड द कंपनी मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. तो हाउ मेनी सोविनियर्स मींस यू आर टू टेल द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. तो जिस पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका पॉइंट है एक्स और वाई वहां से आपको मिलेगा. तो दैट पॉइंट विल बी 8.20. पॉइंट 8.20 पे यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू. सो सोविनियर्स ऑफ टाइप ए दैट आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड इज 8 एंड सोविनियर्स ऑफ टाइप बी विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड इज 20 इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम प्रॉफिट. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 7. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आप मुझे बताओगे कैसे करना है. रीड द स्टेटमेंट. If you are not having the book, so you can purchase the book. क्योंकि next year आपके next session में ये use होनी ही है. Otherwise, I have sent you the PDF. You can open that. This is your question number 8. Question number 8. A merchant plans to sell two types of personal computers: desktop model and portable model. That will cost rupees 25,000 and 40,000 respectively. He estimates that the total monthly demand of computers will not exceed 250 units. Determine the number of units of each type of computers which the merchant should stock to get maximum profit if he doesn't want to invest more than rupees 70 lakhs and if his profit on the desktop model is rupees 4500 and portable model is 5000. X किसको मानेंगे और Y किसको मानेंगे. किसको मैं X लूँ और किसको मैं Y.
दो तरह के मॉडल्स की बात हो रही है, एक है डेस्कटॉप मॉडल्स, दूसरे हैं पोर्टेबल मॉडल्स. तो लेट द नंबर ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो है दैट इज एक्स. And the portable thing that is one. So yahan pe ho gaya aapka desktop x, portable y. Ab kya kya given hai iske liye? Total monthly demand of computers will not exceed 250 units. अब टोटल मंथली डिमांड फॉर द कंप्यूटर्स विल नॉट एक्सीड 250 का मतलब क्या है कि जितना इनका नंबर प्रोड्यूस हो रहा है, जितना इनका नंबर प्रोड्यूस हो रहा है वो 250 से ज्यादा नहीं होगा. फर्स्ट कॉन्स्टेंट मेरा बन गया x प्लस y लेस देन इक्वल टू 250. सेकेंड वाले के लिए वो क्या कह रहा है कि कॉस्ट गिवन है मुझे डेस्कटॉप मॉडल की 25,000. तो इसके लिए उसने क्या कहा कि इफ ही डजंट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन रुपीज 70 लाख, कि इसके लिए जो है वो 70 लाख से ज्यादा अमाउंट जो है वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता. अब 25,000 अगर एक की कॉस्ट है तो x की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 25,000 x. 40,000 एक की कॉस्ट है तो दिस विल बी 40,000 y. एंड ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 lakhs. तो जो जीरोस हैं, थ्री जीरोस इसके, थ्री इसके, थ्री इसके, ये तो डायरेक्ट हमने कट कर दिए. बाकी आप इसको जो है फाइव से डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो. दैट विल बी 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 1400. एक इक्वेशन ये बन गई हमारी, क्योंकि उसने क्या कहा था कि जो नंबर ऑफ ही एस्टिमेट्स दैट टोटल मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर्स विल नॉट एक्सीड 250 यूनिट्स, कि जो इनकी डिमांड है यानी कि जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली ही मैन्युफैक्चरिंग होगी. तो x प्लस y जो है, जो हम डेस्कटॉप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं या पोर्टेबल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका जो सम है दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 250. फिर कॉस्ट की बात हो रही थी कि एक की कॉस्ट 25,000 है, दूसरे की 40,000 है, और मैक्सिमम जो वो अमाउंट इसमें लगा सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, दैट इज 70,000. 70,000 से ज्यादा नहीं हो सकता. तो 25,000 इंटू एक्स प्लस 40,000 इंटू वाई इज लेस देन इक्वल टू 70 लाख. जीरोस कट करके हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया. ये हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी आ गई. उसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपने लेना ही लेना है. इनइक्वालिटीज आ गई. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए वो क्या कह रहे हैं, इफ द प्रॉफिट ऑन द डेस्कटॉप मॉडल इज 4500 एंड पोर्टेबल मॉडल इज 5000, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप व्हिच द मर्चेंट शुड स्टॉक टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट. यानी कि हमने प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट विल बी 4500x प्लस 5000. तो ये दो इनइक्वालिटीज के बेसिस पे आपने ग्राफ ड्रॉ करना है. ग्राफ अगेन आपका बाउंडेड आएगा, तो जो भी कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे उसके लिए, क्योंकि उसने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपसे पूछा है, तो x और y की वैल्यू आपको जो आएगी जिसपे आपका z मैक्सिमम आ रहा है, दैट विल बी योर आंसर. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दैट यू विल डू योरसेल्फ. इसमें सिर्फ फ्रेमिंग करनी है आपको, जो इनइक्वालिटीज है, ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो आपका अनबाउंडेड आएगा. एंड 10th ऑल्सो ओनली द फ्रेमिंग ऑफ द इक्वेशंस इज देयर, और ग्राफ आप इसमें नहीं बनाओगे. 10th में करवा देती हूँ, परसेंटेज वाले उसमें है, एंड इनका ग्राफ आपने ड्रॉ नहीं करना. 2 marks में फ्रेम द एलपीपी आ सकता है, जहाँ पे फ्रेम द एलपीपी आ गया मतलब आपने जो ये टेबल बनाना है, और साथ में जो इनइक्वालिटीज हैं वो लिखने हैं. इनइक्वालिटीज लिखने के साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि नॉन नेगेटिव जो कंस्ट्रेंट्स हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपने लेना ही लेना है. क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहे हैं टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स F1 एंड F2. तो
एफ वन और एफ टू ये हम एक्स मान लेंगे, इसका वाई क्वांटिटी मान लेंगे। इसमें वो क्या क्या है, अब इसमें कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरिक एसिड, तो एक हो गया इसमें नाइट्रोजन और दूसरा हो गया फॉस्फोरिक एसिड। अब फर्स्ट वाले में जो है एफ वन जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 10% नाइट्रोजन 6% फॉस्फोरिक एसिड, एफ टू जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 5% एंड 10%। अब ओवरऑल वो क्या कह रहे हैं, अ फार्मर फाइंड्स दैट शी नीड्स एट लीस्ट 14 केजी ऑफ नाइट्रोजन एंड 14 केजी ऑफ फॉस्फोरस। एट लीस्ट है तो इट मींस ग्रेटर देन इक्वल टू, कम से कम 14, 14 से ज्यादा हो सकता है। अब उसके बाद क्या चीज हमें गिवन है, इफ एफ वन कॉस्ट रुपीज 6 पर केजी, एफ टू कॉस्ट रुपीज 5 पर केजी, कॉस्ट गिवन है 6 एंड 5। So determine how much of each type of fertilizer should be used so that the nutrition requirement are met at a minimum cost. यानी कि हमने cost को क्या करना है, minimize करना है. Cost यानी कि 6 और 5 हमें given है, so that is 6x plus 5y. Z is equal to आ जाएगा 6x plus 5y. और इसको मुझे क्या करना है, cost है तो minimize करना है. Then What is the minimum cost? तो जो z की minimum value आएगी, that also you are to tell. अब इसकी जो inequalities बनानी है, वो ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे percent है, तो जब आप लोगे, तो this will be 10% of x plus 6% of 5% of y और greater than equal to 14. तो this will be percent हटाओगे, तो upon में 100 आ जाएगा. So this is 10x. या 8-0 आप काट भी सकते हो या बाद में कट कर देना, जैसे बच्ची आप करते, तो 5 से आपका ये सारा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 2x plus y greater than equal to 28। अब सेम वे में सेकेंड इनइक्वालिटी दिखानी है, तो 6x 6% है, तो 6/100x plus 10/100y अगेन greater than equal to 14, तो दिस विल बी 3x plus 5y equal to 2 से हम divide कर 7 यहाँ पे 5 से divide किया, so, और बाकी की जो inequalities हैं वो आपने लेनी ही लेनी है, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0, यहाँ पे 1400 था, so this will be easy. अब क्योंकि ये आपका यहाँ पे दोनों इनइक्वालिटीज में ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, तो योर ग्राफ विल बी अनबाउंडेड, तो वो हमने नहीं करना है। सो ओनली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ ग्राफ अनबाउंडेड है, मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से हैं, इन दैट ओनली यू आर टू फेल द इनइक्वालिटीज। अब क्वेश्चन नंबर 11 आप ट्राई कर लेना, इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसमें एक न्यू टाइप और है हमारी, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, दैट वी विल डिस्कस। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज यू विल डू योरसेल्फ। बीच में से क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको करवा दूंगी, उसकी भी मतलब इन इक्वालिटीज जो है वो मैं प्रिंट करवाऊंगी। इन योर होमवर्क पार्ट व्हाट यू आर टू डू, एक तो ये वाले कंप्लीट कर लेना, देन मिसलेनियस एक्सरसाइज की सिर्फ जो इनइक्वालिटीज हैं जितनी आप फॉर्म करके फ्रेम करके रख सकते हो वो रख लेना, दैट वी विल डिस्कस टुमारो।